हेलो दोस्तों, स्कूबर में आपका स्वागत है। आज मेरे को बड़े क्वेश्चन आते थे, हमारे कमेंट करते थे लोग, मेल करते थे कि जब पप्पी की डिलीवरी होती है तो मदर फीड अगर प्रॉपर ना आए तो बच्चों को क्या देना चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये डॉबरमैन का लीटर मिस्टर करण भट्टी जी के पास हुआ है। अभी मिलते हैं करण भट्टी जी से। हेलो दोस्तों, करण भट्टी फ्रॉम जलंधर। मैं करण भट्टी जलंधर से हूँ और डॉबरमैन लिटर हुआ था। अच्छा, तो आपसे रूबरू हो गए आज फिर स्कूबर चैनल पे। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये फीमेल है। इसको प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब इसने लीटर दिया था, इसको मिल्क कम था, दूध कम आ रहा था। जब आपको कैसे पता लगा कि इसका दूध कम है? जैसे बच्चे डिहाइड्रेट होने शुरू हो जाते हैं, पता लग जाता है कि बच्चों में थोड़े वीकनेस आनी शुरू हो गई है। बच्चे जैसे डी ऐसे ही करते हैं तो स्किन पूरी नीचे नहीं जाती, डिहाइड्रेशन हो जाती बच्चों में। तो तो सबसे पहले आपने क्या किया फिर? इनको एक नैनवन का आता है, नेस्ले का नैनवन दूध आता है पाउडर वाला, वो भी दिया। फिर काओ मिल्क साथ में स्टार्ट किया, और अभी इनको बीफर का पेस्ट एक आता है मल्टी विटामिन, वो भी इनको स्टार्ट कर दिया था साथ में पहले दिन से ही। ठीक है। और मदर को क्या किया था फिर आपने कि दूध ज़्यादा बढ़ जाए मदर इसका? को एक लैप्टाटीन की टैबलेट्स आती हैं तो वो भी स्टार्ट की, काओ मिल्क स्टार्ट किया। तो अच्छी डाइट दो तो बिल्कुल फिट हो गया, ठीक हो गया। ठीक है भैया। ये कितने दिन के हो गए पप्पी साहब? अभी ये 25 दिन के आसपास हैं, 22-25 दिन के बीच में है ये। और ये आपने बिल्कुल अपने रूम में ही रख लिए थे ना जब ये लीटर जी, हुआ मेरे था? बेडरूम में थे ये सारे। तो अच्छा, आपको जैसे लगा कि ये बच्चे, मतलब कितनी कितनी देर के बाद फीड करवाते थे आप? रात को तो सोना मुश्किल ही हो गया था, 1 हफ्ता तो बिल्कुल सो ही नहीं पाए। मेरी वाइफ और मैं तकरीबन बारी बारी से इनको देखते रहे कि देखो बच्चे भूखे तो नहीं है, कोई सो तो नहीं रहा, कोई उठा उठा के इनको दूध पिलाना, कोई बच्चा साइड में ना चले जाए। मदर के नीचे भी आ जाते हैं कि किसी टाइम बच्चे। तो काऊ मिल्क के साथ क्या मिक्स करते थे आप? काऊ मिल्क के साथ देसी घी भी दे देते हैं इनको, फीमेल्स को। अच्छा, फीमेल को। कि जी, तो बच्चों को? बच्चों को तो काओ मिल्क के साथ जैसे नैनवन दूध आता है एक पाउडर। ह्यूमन वाला है वो, है ना? जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। नॉर्मल मेडिकल स्टोर जो है उनसे मिल जाता है नॉर्मल। जी और अब ये देखिए, 22 दिन के, 22 डेज के हैं ना ये बच्चे? जी अब ये बिल्कुल 22 डेज के हैं और काफ़ी एक्टिव हैं सारे, और जी, मदर का मिल्क भी ले रहे हैं अब साथ मिल्क साथ में। मिल्क ले रहे हैं। ठीक दो है। टाइम इनको छोड़ते हैं, रॉयल कैनिन स्टार्टर पपी भी इनको स्टार्ट कर दिया। अब भैया, ये कितने दिन के बाद आप पहला वैक्सीनेशन या पहला डीवॉर्मिंग कब करवाओगे आप? अभी इनको 28 दिन के ऊपर एक पपी डीपी लग जाएगा, तो अगला 45 दिन के ऊपर लगेगा। ठीक है। और अभी डीवॉर्मिंग पहला कब होगा? डिवर्मिंग इनका अभी 20 दिन में जब हो गए थे, 20 दिन के तब एक बार हो गया है। ठीक है। नहीं, एक बार मैंने आपसे ही सुना था कि आप मदर की डिवॉर्मिंग भी कर देते हो जी नेचुरली बिल्कुल बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, मदर की डिवर्मिंग जब बच्चे हैं हमारे पास तो मदर की डिवर्मिंग भी कर देनी चाहिए। उससे क्या है कि बच्चों में भी हो जाती है डिवर्मिंग इनकी दूध अच्छा, में। एक चीज और है, ये कितने दिन के बाद की थी आपने मदर की डिवॉर्मिंग? ये जैसे हो जाते हैं बच्चे 15-15 दिन के आसपास, तब फीमेल को 2 टैबलेट तकरीबन दे देते हैं ठीक है, मतलब डिवर्मिंग उसके की। वेट का नहीं देखते, सिर्फ 2 टेबलेट 10 किलो वाली दे बिल्कुल देते हैं बिल्कुल, 2 टैबलेट्स ही देते हैं सिर्फ कि मदर दूध के साथ ही बच्चों की नॉर्मल। डीवर्मिंग जी भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल और भैया, थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। जैसे फीमेल प्रेगनेंसी हो जाती है, उसकी कंफर्म हो जाती है, तो जी, उसको वैक्सीनेशन कौन सी लगती है? तो इसको 7-in-1 तो लगेगा ही है, नोवीवैक का। कितनी दिन में लगेगा अच्छा, वो? अच्छी वैक्सीनेशन ही करनी चाहिए, ठीक है। तो नोवीवैक का DHPP जो आता है वो ही लगाते हैं इसको। 45 डेज पर, जी बिल्कुल। तो उसके बाद कौन सा लगता है? उसके बाद इनको जब बच्चे हेल्दी हो जाते हैं, जैसे 28 दिन के हो गए तो इनको फर्स्ट वैक्सीनेशन होगी। वो तो बच्चों को होगी ना, मदर को कोई और वैक्सीनेशन नहीं, होती है और फोर्टी कोई फाइव जरूरत नहीं है अभी, एक जब ये बच्चे देने वाली होती हैं तब एक वैक्सीनेशन ही बहुत होती है इसको। ठीक है। जी और बच्चों को अभी 45 डेज में सेकंड वैक्सीनेशन हो जाएगी? सेकेंड बिल्कुल, ठीक पैंतालीस है। दिन के बाद इनको एक और वैक्सीनेशन होगी इनकी, बड़े अगर क्यूट अट्ठाईस के बच्चे हैं भैया होगी। आपके, और मेहनत भी है ओ ना, ओ ओ ओ 10 दिन की मेहनत थी स्टार्टिंग में काफी जी, आपकी। 10 दिन तो बहुत ज्यादा मेहनत थी, सोने भी नहीं दिया इन्होंने। ठीक है। और इसकी पेडिग्री बताओगे भैया जरा, क्या है फीमेल की और किससे क्रॉस हुई है ये? फीमेल जो है वो डॉक्टर संधू जी हैं यहाँ जलंधर से, उनकी लाइन की फीमेल है ये। ठीक है। और ये हमारे पास एक जग्गा रिटर्न करके डॉग है, तो वो
बहुत अच्छी विनिंग का डॉग है, नॉर्थ में काफ़ी अच्छी विनिंग की उसने, तो उसके पपीज है ये। ठीक है, जी तो बच्चे ये कब तक रेडी होंगे आपके पास? बच्चे बस 35-40 दिन में बिल्कुल रेडी हैं सर जाने के लिए। ठीक है। जी वो दोस्तों ये देखिए अब तो कितने शरारती हो चुके हैं ये, इनको ऊपर पता ऊपर है कि खाना मिलता है पापा ही देते हैं बस। खाना स्टार्टिंग में आपने खाना दिया ना इनको, जी तभी पता लग बिल्कुल, गया। अभी इनको पता है कि खाने का टाइम हो गया है या कैसे भी है, इनको पता है कि खेलना है। तो दोस्तों जैसे आपने समझ लिया कि मदर की डीवॉर्मिंग कीजिए जब वो 15 दिन के बच्चे होते हैं, जी तो हाफ डीवॉर्मिंग कर दीजिए और बच्चों की नेचुरली डीवॉर्मिंग हो जाएगी। जी उसके बाद 20 दिन के बाद मतलब 15 दिन के बाद फिर से डीवॉर्मिंग होगी बच्चों की, जी प्लस 28 डेज में पहला वैक्सीनेशन जी और 45 डेज में सेकंड सेकेंड वैक्सीनेशन। जी यही होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, ये देखिए कैसे मिल्क ले रहे हैं अब। वैसे ये मेरा पहला शूट है ऐसे कि मदर को मिल्क देते हुए शूट करना, बाकी ये नॉलेज वाली वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये देखिए इन्होंने अपने रूम में रखा हुआ है, कोई इन्होंने कैनल में नहीं रखा हुआ, क्योंकि काफ़ी बच्चे इन्होंने सरवाइव करवाए हैं एक हिसाब से, क्योंकि मदर को मिल्क नहीं था। और 2-2 घंटे के बाद आप देते रहे हो मिल्क बिल्कुल इनको, बिल्कुल दो बिल्कुल दो घंटे सर के बाद अलार्म लगाते थे, मुझे ये जी बताते थे कि 2-2 घंटे का अलार्म लगा होता था जी और उठकर मदर बच्चों को दूध देते थे, और आज ये बच्चे बिल्कुल एक्टिव हैं। एक्टिव हेल्दी हाँ हेल्दी हैं। वैसे डोरमैन पतले पतले ही होते हैं, वो लेब्राडोर की तरह नहीं होते मोटे मोटे। ये देखिए मदर। और भैया ये विद पेपर है आपके, विद पेपर केसी रजिस्टर्ड तो पपीज। पेपर कब अप्लाई करवाते हो वैसे नॉर्मली आप? अभी 1 महीने के हो जाएंगे तो अभी पेपर अप्लाई हो जाएंगे इनके। और आपके पास क्या है इसमें, मेल फीमेल कितने हैं? इसमें एक फीमेल है ठीक है, और 7 मेल है। ठीक है। ये देखिए दोस्तों मैं भी साथ में बैठा हूँ, मदर कुछ नहीं कह रही क्योंकि ये प्रॉपर ट्रेनिंग है, ये जी ट्रेनिंग ही मैटर करती है। इनको पता है कि साथ में बैठे हैं बस। हाँ बड़े क्यूट बेबी हैं। ये इसको ऊपर रखोगे जरा, एक को, एक छोटू को रखना जरा। ये देखिए दोस्तों ये प्रॉपर अभी खड़ा होना भी शुरू हो गया। 22 डेज के लगते नहीं है जितने, जिस हिसाब से एक्टिव है ना। ये देखिए ये आ गए, अभी सारे ऐसे बिठाएं तो मज़ा ही आ जाएगा, पर बैठेंगे नहीं है सारे है ना, शरारती हैं शरारती हैं। चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी कर देना, क्योंकि इसमें आपको पूरा पता लग गया कि आपको बच्चों को कब डीवॉर्मिंग करनी है और वैक्सीनेशन करनी है, और मदर को कितने वैक्सीनेशन 45 डेज पर लगेगा, और एक ही वैक्सीनेशन लगता है। और ये कई बार ये बोलते हैं कि मदर को ये भी लगाओ वो भी लगाओ, 60 डेज में ये लगाओ, वो लगाना नहीं चाहिए, नहीं लगाना चाहिए नॉर्मल यही होते हैं, जी यही वैक्सीनेशन होता है। और बच्चों को टेम्परेचर क्या देना चाहिए वैसे, जैसे ये अभी ठंडी का टाइम है, जनवरी का एंड है, तो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर या क्या करते हो, क्या आप हीटर लगाते हो, क्या लगाते हो वैसे? सर हीटर तो नहीं लगाते हम, जैसे 200 वाट का एक बल्ब लगा देते हैं इनके ऊपर, नॉर्मल जो जो बल्ब नॉर्मल रूम टेम्परेचर है वो ठीक है इनके लिए, कोई अच्छा ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा वो गर्मी करने की जी भी ज़रूरत जी नहीं है। जी अभी ठीक है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा। ठीक है ओके करम भैया, आप अपना नंबर बोल दोगे प्लीज़, अगर किसी ने ये बच्चे बुकिंग करवानी हो तो आप। जी 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 हाँ जी क्या नंबर क्या आपको? 9814234761। ठीक है। और ये अमेरिकन ब्लड लाइन है ना? जी बिल्कुल अमेरिकन है। ठीक है। और भैया एक डाउट हो रहा है वैसे, इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, यूरोपियन क्या इंडिया में इतने पाए जाते हैं जो? सर यूरोपियन डॉग जो है वो इंडिया में शो नहीं होते ज़्यादातर। ठीक है। वैसे हम ऐसे उनको बोलते नहीं है कि वो ठीक नहीं होते, सब ठीक हैं। तो जैसे इंडिया में जो डॉग शो होते हैं, जिसको ज़्यादा फॉलो करते हैं डॉग शो में, जजीज फॉलो करते हैं, वो अमेरिकन को ही करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है वो ही चलता है हमारे इंडिया में। ये तो आपके ऊपर ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे कुछ देना आपने। हाँ जी बिल्कुल, इनके खाने का जैसे टाइम हो गया बस खाने का। वो और फीड कैसे देते हो आप इनको, जैसे कटोरी में खाते हैं बिल्कुल? पहले उसको भिगो देते हो कितनी देर जी? पहले बिल्कुल भिगो देते पहले पानी में इसको भिगा देते हैं, फिर उसको दूध में मिक्स करके फिर देते हैं इनको खाने के पेस्ट लिए, की तरह बना के ना? पेस्ट की तरह। चलो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज मेरे हिसाब से नॉलेज वाला वीडियो था, कोशिश की हमने नॉलेज वाली वीडियो बनाने की। और ये लीटर है, ये मदर है इसकी,
ये देख लीजिए, फादर की कोशिश करूंगा फोटो, नहीं तो आप फोटो इनको। है ना रेड वाला डॉग जो आपने देखा है, पहले भी मैंने वीडियो हाँ में एक डाला वीडियो था में हमने डाला भी हुआ है जग्गा रिटर्न, जी। इन इनके ही चैनल का वीडियो देख लेना आप, तो उसमें आप देख लेना इसका फादर, नहीं तो इनके व्हाट्सएप नंबर पर आप इसका फादर भी देख सकते हो। ये मदर है और ये बच्चे हैं, ये ब्रीडर है। भैया इधर देखना जरा कैमरा की तरफ, ये हेलो ब्रीडर है जी। और फादर आपको ये कोशिश करेंगे डाल देंगे, नहीं तो इनको व्हाट्सएप कीजिए। जग्गा बहुत फेमस डॉग है, उसको आप देख सकते हो, पूरा आपको दिखा दिया। ये बच्चे अभी 22 डेज के, डिलीवरी 35-40 दिन के बाद ही होगी, अपने हिसाब से देख लेना आप, आपके पास सीधा नंबर है। ओके सी यू।